हेलो फ्रेंड्स, निक हियर। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ व्हाट्सएप के कीबोर्ड को अलग अलग कलर का थीम या व्हाट्सएप के कीबोर्ड में अपना फोटो कैसे लगाएं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। और यदि आप वही पुराने कीबोर्ड से बोर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के कीबोर्ड को एक नया लुक देना चाहते हैं और उस कीबोर्ड को अलग अलग तरह का थीम में या उसमें अपना फोटो लगाना चाहते हैं, सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने व्हाट्सएप में चले जाना है। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पर एक बार टच कर लेना है। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, तो सेटिंग वाले पॉपअप में क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैं थीम में क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग कलर का दिया हुआ है। आप चाहेंगे यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट कलर दिया हुआ है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कीबोर्ड में अपना फ़ोटो या किसी दूसरे एक्ट्रेस या हीरो का फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर माई थीम के जस्ट नीचे में प्लस का ऑप्शन है, तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दो फोटो ऑलरेडी चूज़ किया हूँ जिसको मैं लगा सकता हूँ, या आप जैसे कि यहाँ पर कलर है, मान लीजिए मैं रेड कलर को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर की बॉर्डर है तो उसको भी मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही बैक जाता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं अपना टच करता हूँ और कीबोर्ड से होता है, तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। अब इस जो कलर चेंज हुआ है उसमें यदि मेरे को अपना फ़ोटो लगाना है तो उसके लिए फिर से यहाँ पर सेटिंग का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर थीम में चले जाना है। थीम में जाने के बाद यहाँ पर से आप प्लस वाले ऑप्शन में जाकर गैलरी से फ़ोटो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी फ़ोटो को चूज़ कर लिया था तो सिंपल से इसमें क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए की बॉर्डर को ऑन कर लेना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए अब ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं बैक जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में मेरा फ़ोटो शो हो रहा है। सो गाइस, इस तरह से आप भी अपना व्हाट्सएप के कीबोर्ड को एक नया लुक दे सकते हैं और कीबोर्ड से बोर नहीं होंगे। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं सो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।